गिफ्ट एकेडमी की तरफ से जेपी स्मारक पर उनकी प्रतिमा के चारों ओर लगे पेड़ पौधों की देखरेख की कोशिश। साथ ही सारे लोगों से अपील की कि अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले खुद पहल करें। जी सर, आप पहले से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं, एक विद्यालय चला रहे हैं, उसके बावजूद आप हर एक संडे को अपना एक समय समाज में देते हैं। जी जी, तो समाज में देने के पीछे आप क्या उद्देश्य है? देखिए, समाज में हम भी हैं और समाज में लोग भी हैं, और समाज बनता है देश से। हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, और समाज को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि देश की सेवा अपने माध्यम से जहाँ तक हो सके। स्वच्छता एक ऐसा सेवा है जो कि सबको चाहिए, और देश को तो खैर चाहिए ही। तो अपने छुट्टी के समय में, रविवार को या फिर और भी कोई छुट्टी का समय होता है, तो हम बच्चों के साथ, विद्यालय जो गिफ्ट एकेडमी के बच्चे हैं उनके साथ हम लोग आते हैं। और आज हमारे साथ विद्यालय के कुछ कर्मी हैं। ये आपका कलेक्टिव तालाब है, जो कि पूजा पाठ होने के बाद गंदगी का पूरा अंबार फैल गया है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना कि किन्हीं किसी संस्था के माध्यम से ये इस जगह का एक साल तक के लिए उसका मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए एक घोषणा किया गया था उनके निदेशक के माध्यम से। मैं उन्हें भी एक रिक्वेस्ट के तौर पे कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को आप अपनी वक्तव्य को बरकरार रखें, और साफ़ सफाई का जो क्रम है वो जारी रखें। जब तक आपने कहा है, हम लोग भी उसके साथ हैं, आपके साथ हैं, समाज के साथ हैं, मैं यही कहूँगा। क्योंकि एक सार्वजनिक प्लेस है, लोग इंतजार करते हैं कि ये सरकारी है तो सरकार साफ करेगी, तो इस बात को लेके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरकार कौन बनाता है? सरकार हम आप बनाते हैं, जनता बनाती है, और ये जगह जनता का है। सरकार को हम लोग को जागरूक तो करना होगा, ये बात सही है, लेकिन हम अपना कर्तव्य भी जारी रखें, ये भी जरूरी है। हम अगर गंदा कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा सफाईकर्मी आकर साफ करेगा। हम गंदगी को फैला ही नहीं, सफाईकर्मी को उतना जरूरत पड़ेगा। हम लोग डस्टबिन का इस्तेमाल करें, जगह पे उसका जो है कि उसका रख रखाव रखें, तो अच्छा होगा वो चीज़। जी, अपने बताइए। मैं अमित कुमार, गिफ्ट एकेडमी स्कूल, अहिपुरा और महादेवा से।